हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम कवर करेंगे 7th of July और 8th of July के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और न्यूज को। और इसी तरीके से हम मंडे टू फ्राइडे ये शो लेके आते हैं जहां पे हम डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, जबकि सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को हम क्विज की फॉर्म में एमसीक्यू वाइज जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ये शो देखना चाहते हैं, इसके अलावा क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की भी हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालते हैं, तो आपको हमारे चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो आज का इस शो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है यूएस नोटिफाइज यूएन ऑफ डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। देखिए, इस पर पहले भी मैंने आपको बताया था, तब जो है फॉर्मली इसे अनाउंस किया गया था बट नोटिफाई नहीं किया गया था। तो फाइनली अब यूनाइटेड स्टेट्स ने नोटिफाई भी कर दिया है कि वो डब्ल्यूएचओ से जो है विड्रॉ कर रहे हैं। और मैंने आपको रीजन बताया था कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूएस का मानना है कि डब्ल्यूएचओ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस पेंडेमिक के दौरान, जिसके लिए देखिए बेसिकली डब्ल्यूएचओ को बनाया गया है, वो उन्होंने पूरी नहीं करी। तो खैर, इसके बारे में डिटेल बात कर लेते हैं। सो द यूएस हैज फॉर्मली नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस ऑफ इट्स डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको लेके देखिए काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, पहले इसको अनाउंस किया गया था बहुत टाइम पहले, बट फाइनली अभी इसे नोटिफाई भी कर दिया गया है। और क्यों डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर रहा है यूएस, तो रीजन मैंने आपको बताया ही था। यूएस एलेज्ड दैट डब्ल्यूएचओ मिसलेड द वर्ल्ड, रिजल्टिंग इन डेथ्स ऑफ ओवर हाफ मिलियन पीपल ग्लोबली, इंक्लूडिंग ओवर 130,000 इन अमेरिका। और आपको पता है 5 लाख से ज्यादा अब तक लोगों की इससे डेथ हो चुकी है, और अगर सिर्फ हम अमेरिका में बात करें तो 1,30,000 से ज्यादा लोगों की अमेरिका में ही डेथ हो गई है। तो यूएस का मानना है कि जो डब्ल्यूएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली जो पेंडेमिक के दौरान होनी चाहिए, वो उन्होंने पूरी नहीं की, उन्होंने टाइम पे जो है इन्फॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से जो है ये स्प्रेड हो गया वायरस, और जिससे काफी सारे लोग, आपको पता है, ये डेथ हो गई है। सो इन अप्रैल द यूएस स्टॉप्ड फंडिंग टू डब्ल्यूएचओ एज द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यूड द टाइज। और अप्रैल मंथ में यूएस ने सबसे पहले तो फंडिंग रोकी थी जो डब्ल्यूएचओ को यूएस करता है, और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें फंडिंग तो यूएस ही करता है डब्ल्यूएचओ को। और उसके एक महीने बाद जो है अप्रैल मंथ में जो फंडिंग को रोका था, और उसे एक मतलब मई मंथ में जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर रहे हैं। और अगर बात करें कितनी फंडिंग करता है यूएस, सो द यूएस इज द लार्जेस्ट फंडर टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर देन $450 मिलियन पर एनम। जबकि चाइना की अगर हम बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि देखिए यूएस ने हमेशा कहा कि डब्ल्यूएचओ जो है चाइना की साइड लेता है, तो चाइना के अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका 1/10 है, 1/10 अराउंड $45 मिलियन पर एनम जो है वो चाइना इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इससे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप देख सकते हैं $450 मिलियन जो अगर फंडिंग अगर एकदम से डब्ल्यूएचओ की रुक जाती है, तो जितने भी बड़े बड़े जो है वो डब्ल्यूएचओ ले रहा होता है, जैसे चाहे वो वैक्सीन प्रोग्राम्स हो गए या हर कंट्री के अंदर, खासकर वो कंट्रीज जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, जहाँ पे बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जितने भी चाहे वो वैक्सीन ड्राइव हो गए या बाकी जितनी चीजें हो गई, तो वो डब्ल्यूएचओ देखता है। तो अगर आप देखिए $450 मिलियन की अगर फंडिंग एकदम से रुक जाती है यूनाइटेड डब्ल्यूएचओ की, तो ऑब्वियसली बात है तो इसमें बहुत बड़ा जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि वो उन ऑर्गेनाइजेशन को जो है जो इसी फील्ड में हेल्थ की फील्ड में काम करिए, उनको ये पैसा देंगे ताकि वो जो है जरूरतमंद देश या लोगों तक मदद पहुंचाए। तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूएचओ की ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी की, ये बात बार बार यूएस के खासकर प्रेसिडेंट ने बात कही है। और तो अब जो है कहीं ना कहीं देखिए डब्ल्यूएचओ को जो एक मेन फंडिंग, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंडिंग से ही चलता है, तभी देखिए डब्ल्यूएचओ अपने वेरियस प्रोग्राम्स जो है कंट्री के अंदर चलाता है। तो वैसे बात इसे एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो डब्ल्यूएचओ पर पड़ने वाला है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फोटो है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फॉर ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ इंडियन वैक्सीन फॉर COVID-19 बिगेन फ्रॉम July 7, यानी कल से ही जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है ह्यूमन ट्रायल का, जो इंडियन वैक्सीन, जिसकी देखिए बात ICMR ने कही है कि 15 अगस्त से पहले तक हो सकता है कि वैक्सीन इंडिया सक्सेसफुली बना ले। और तो इसके रिस्पॉन्स में जो डायरेक्शंस इशू की थी ICMR ने अभी, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैव स्टार्टेड द सब्जेक्ट एनरोलमेंट प्रोसेस फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द ह्यूमन ट्रायल फॉर द COVID-19 वैक्सीन फ्रॉम July 7, यानी कल से ही स्टार्ट कर दिया जो प्रोसेस है एनरोलमेंट का, कि किन किन लोगों को जो है इसकी डोजेज जो है वो दी जाएगी। और ICMR की बात करें तो उन्होंने पहले 12 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को ये बात कही थी कि वो फर्स्ट फेज जो है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स का स्टार्ट करें बाय रजिस्टरिंग वॉलंटियर्स। और अथॉरिटी हैज बीन स्पीडिंग अप द प्रोसेस एज इंडियन वैक्सीन आर इन द ग्लोबल रेस टू एंड द पेंडेमिक। और गवर्नमेंट की या ICMR की यही
मेन एम है कि जल्द से जल्द जो है इस वैक्सीन को बनाया जाए। और क्योंकि देखिए ऑब्वियस बात है, लगातार केसेस इंडिया में भी बढ़ रहे हैं और इंडिया भी देखिए काफी अच्छे तरीके से जो है वैक्सीन के जो रेस है, ग्लोबल रेस, जिसमें देखिए ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज लगी हुई हैं, तो इंडिया भी काफी तेजी से बढ़ रहा है इसमें। बट एक चीज इसको लेके देखिए काफी ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, वो है कि इसका जो है किसी भी वैक्सीन को बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले एनिमल्स पर ट्रायल किया जाता है कि सबसे पहले कि क्या ये एनिमल को कोई अफेक्ट तो नहीं कर रही, देन उसके बाद ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। जबकि बात करें यहाँ पे जो है सीधा ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस को स्पीड अप करने की कोशिश है, जल्द से जल्द इसको बनाया जाए, तो एनिमल्स पे ना ट्राई करके सीधा ह्यूमंस पे ट्रायल किया जा रहा है, जिसको लेके काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। खैर अब जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कल से, यानी जुलाई 7 से, और जो दो इंडियन वैक्सीन है जिसका यूज किया जाएगा मेनली, वो है कोवैक्सीन और दूसरा है ZyCoV-D। ये लगभग 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स पर इसको ट्राई टेस्ट किया जाएगा इन द टू फेजेस ऑफ द ट्रायल्स, और फिर देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट रहता है, कि क्या इंप्रूवमेंट आती है उस पर्सन में, क्या वो अगर वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट अगर होता है तो क्या ये जो वैक्सीन है उसे प्रोटेक्ट करती है या नहीं करती। तो बेसिकली दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और दूसरी ZyCoV-D, जो कि 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स पर जिनका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है। सो अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है डिफेंस मिनिस्टर सेज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक रोड्स, ब्रिजेस एंड टनल्स टू बी एक्सपीडिटेड। खासकर अगर हम बात करें बॉर्डर एरियाज के अंदर, जो है डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जितने भी स्ट्रेटेजिक रोड्स है, ब्रिजेज है और टनल्स है, उनके प्रोसेस को एक्सपीडिट किया जाएगा। और कल ही जो है BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है डिफेंस मिनिस्टर की काफी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है। सो द मिनिस्टर रिव्यूड द ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ BRO एट ए हाई लेवल मीटिंग इन न्यू दिल्ली येस्टरडे। और इस मीटिंग में ये बात की गई है कि जो फॉरवर्ड कनेक्टिविटी है टू बॉर्डर एरियाज, उसको और जल्दी से बनाया जाए, जितने भी चाहे वहां पे रोड बनाने पड़े, ब्रिजेस या टनल्स, ठीक है, और इस प्रोसेस को पूरा एक्सपीडिट यानी तेजी से कंप्लीट किया जाए। और BRO जो है वो लगातार, चाहे देखिए COVID-19 की रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी जो है वो लगातार जो प्रोजेक्ट्स है उनको कर रहा है पूरा, ठीक है। और इसे कैब मान भी सकते हैं कि ये भी एक वन ऑफ द रीजन था जिसके लिए भी इंडिया और चाइना का जो LAC पर स्टैंड ऑफ हुआ है, शायद कह सकते हैं कि ये जो इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है वो भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये मीटिंग की ये विजुअल्स हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 8 लाख इंडियंस में बी फोर्स्ड टू लीव द गल्फ कंट्री कुवैत, ठीक है। ये देखिए बहुत बड़ा एक तरीके से हम झटका भी कह सकते हैं इंडिया के लिए होगा, खासकर 8 लाख भारतीय जो कुवैत में काम करते हैं। और ये क्यों देखिए इन्हें छोड़ना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। एमिड द COVID-19 पेंडेमिक एंड इट्स राइजिंग इकोनॉमिक रेपरकशन ऑन कंट्रीज, कुवैत गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक एक्सपैट कोटा बिल जो है जिसके अकॉर्डिंग वो लिमिट कर देंगे नंबर ऑफ इंडियंस लिविंग इन द गल्फ नेशन, ठीक है। सिर्फ इंडियंस की नहीं, देखिए बाकी कंट्रीज के लिए भी एक कोटा फिक्स रखा जाएगा, बट क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कुवैत के अंदर इंडियंस रहते हैं, तो मैं पर्टिकुलरली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि ये इस बिल के बाद जो है वो लिमिट हो जाएगा कि इतने ही इंडियंस जो है वो कुवैत के अंदर काम कर सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ की जो नेशनल असेंबली है, लीगल एंड लेजिस्लेटिव कमेटी, उसने ये ड्राफ्ट कोटा बिल जो है वो डिटरमाइन फ्रेम किया है, और उसे कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब इसे लाया जा सकता है। और इस बिल के अकॉर्डिंग जो है 15% से ज्यादा इंडियंस जो है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन कुवैत, वो वहां पे देखिए नहीं रह सकते या काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कुवैत, उससे ज्यादा इंडियंस वहां पे काम नहीं कर सकते, जबकि अभी आपको पता है इससे ज्यादा 15% जो कोटा की बात की जा रही है, इससे भी ज्यादा 8 लाख और लोग इंडियंस जो है वो वहां पे काम करते हैं। इसी तरीके से देखिए इस COVID-19 के दौरान मतलब खुद अपनी कंट्री के लोगों को रोजगार देने के लिए ना सिर्फ कुवैत, आपने देखा वो यूनाइटेड स्टेट्स भी इस तरीके के काफी डिसीजंस ले रहा है, जिसके बाद जो चाहे वो H-1B वीजा को सस्पेंड करने की बात हो, देन अभी कल की बात है देखिए जो यूनिवर्सिटीज है उनके पूरे पूरे करिकुलम को जो है ऑनलाइन किया जा रहा है, और जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि जो लोग, क्योंकि देखिए सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा तो आप वापस अपनी कंट्री जहां से आप आए वहां पे वापस चले जाए और वहीं से ही स्टडी करें, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से डिसीजन यूनाइटेड स्टेट्स भी ले रहा है। सो कुवैत हैज अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ओवर 43 लाख पीपल, आउट ऑफ विच नियरली 30 लाख आर एक्सपैट्स, ठीक है। और अगर बात करें इंडियंस की तो 14.5 लाख इंडियंस जो है वो कुवैत में रहते हैं, और इस बिल के अगर ये पास हो जाता है एक्सपैट बिल, ठीक है, इसका अप्रूवल मिल जाता है, तो अराउंड 8 लाख इंडियंस जो है उनको कुवैत छोड़ना पड़ेगा और वापस इंडिया आना पड़ेगा। तो वैसी बात है, देखिए पहले भी बहुत सारे लोग जो है जॉब छूटने की वजह से वापस भारत आए, तो अगर 8 लाख और लोग आते हैं तो ओबवियसली बात है इसका अनएम्प्लॉयमेंट का और इशू जो है वो इंडिया में बढ़ेगा। तो ये आप कुवैत सिटी की एक फोटो देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये विजुअल्स है वहां के।
और आखिरी आज का हमारा है वो है हरियाणा कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोजल टू रिजर्व 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब्स वाया ऑर्डिनेंस। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ना सिर्फ कंट्रीज इस तरीके के डिसीजन ले रही है, स्टेट्स ने भी अगर आप देखेंगे हाल ही में काफी सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं, जिसमें से हरियाणा कैबिनेट ने काफी इंपोर्टेंट लिया है स्टेप कि जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स भी है वो भी देखिए 75% जो है वो हरियाणा के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। ये ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने लाए हैं डिसीजन। सो अकॉर्डिंग टू अ प्रपोज्ड ऑर्डिनेंस क्लियर्ड बाय द स्टेट कैबिनेट, 75% ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इन हरियाणा विल बी रिजर्व फॉर लोकल कैंडिडेट्स। इससे पहले देखिए गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है वो तो देखिए काफी हद तक हर स्टेट में ये रहता है कि कुछ फिक्स परसेंट जो है वो उसी स्टेट के रहने वाले लोग को जिनके पास वहां का डोमिसाइल है उन्हें ही मिलेगी, बट प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए रिजर्व करना ये ऐसा बहुत कम डिसीजन जो है स्टेप किसी स्टेट ने लिया होगा कभी। सो जून मंथ में अगर बात करें, जो अभी जून मंथ गया है, हरियाणा में जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था अमंग ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री जो कितना है 33.6%। तो ऑब्वियसली बात है इसे कम करने के लिए जो है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये बहुत बढ़ गया, और अब इसे फिर से कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी जो है 75% रिजर्वेशन रखने की बात की जा रही है हरियाणा के लोगों के लिए। सो द ऑर्डिनेंस विल रिजर्व जॉब्स हैविंग अ सैलरी ऑफ लेस देन 50,000 पर मंथ इन वेरियस प्राइवेटली मैनेज्ड कंपनीज हो गई, सोसाइटीज हो गई, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म फॉर लोकल कैंडिडेट्स। तो ये कह सकते हैं बड़ा ऑर्डिनेंस है, बट क्या ये लीगली पॉसिबल है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी जो है रिजर्व करना? ठीक है ना, अभी तक देखिए गवर्नमेंट जॉब्स में तो रहता है स्टेट्स के लिए जो है परसेंटेज एक फिक्स रहती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी तक इस तरीके से रिजर्वेशन नहीं रखी गई है कि हरियाणा के ही 75% लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिलेंगी। तो इसको आगे देखना होगा कि क्या इसके बाद ये एक्चुअल में अप्रूव होता है या नहीं होता, और प्राइवेट सेक्टर की जो एंटिटीज है उनका इस पर क्या वो इस पर जवाब देती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर ही जो एक बहुत बड़ी सिटी है गुड़गांव, ठीक है, टेक सिटी एक तरीके से, तो वहां पर भी देखिए ऑब्वियस बात है बहुत सारे लोग बाहर से आके काम करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या इसका आगे रहता है, तो मैं आपको इस पर अपडेट भी करूंगा। तो ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ये है देखिए हरियाणा के एट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, और साइड में है हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, इसी तरीके से हम डेली मंडे टू फ्राइडे जैसे मैंने आपको बताया डिटेल में हम सेशन लाते हैं, और सैटरडे को क्विज की फॉर्म में करंट अफेयर्स कवर करते हैं, और इसके अलावा भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीएस की वीडियोस लाते हैं। तो सिंपली आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। तो आज की इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। We'll be right back.